अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदास कुक हाउस से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू रेसिपी लेके। उम्मीद है आपको मेरी पिछली सारी रेसिपीज पसंद आई होंगी और आप मेरे चैनल को तो यकीनन आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आप सब लोग जो जो भी मेरे चैनल को देखते हैं उसको सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोग भी देखें, उन तक भी मेरी वीडियोज़ पहुँचें और मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। ओके गाइस, आज की हमारी रेसिपी है नली निहारी। ठीक है, नली निहारी बनाने का इजी तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ आज, जिससे हम बहुत ही मज़े की और नली निहारी बनाएंगे और बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, हमें डिफरेंट मसाले लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हमारे पास निहारी का मसाला मौजूद होता है तो हमें वो मसाला यूज़ हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए कि एक पैकेट निहारी का मसाला हमारे पास, ये देखें एक पैकेट निहारी का मसाला हमारे पास। उसके बाद नमक है, निहारी के मसाले में भी नमक होता है इसलिए मैंने नमक कम लिया है। ठीक है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया, क्योंकि हमारे घर में जो नली निहारी है वो थोड़ी स्पाइसी खाई जाती है तो इस वजह से फिर मैंने थोड़ा सा मैं अपने पास से भी थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ उसके अंदर। ठीक है, और 2 अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको हमने बारीक कट कर लिया है, और 1 हमने लहसुन लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा ये, उसको हमने पीस लिया है। ठीक है, और ये हमारा गोश्त है, ये तकरीबन 1 kg से ज़्यादा गोश्त है हमारा, और इसकी ये देखिए ऐसे गोल गोल निहारी की बोटियाँ जैसे होती हैं वो इसकी बनी हुई, और ये नली है इसके साथ, और ये बहुत ही मज़े की निहारी बनने वाली है। चले आए लेट्स, ये देखिए हमने ना इसमें प्याज डाल दी और ऑयल डाला है, ऑयल हमने तकरीबन 2.5 कप डाला है क्योंकि निहारी में ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है और ऊपर ज़रा तरी अच्छी लगती है। एक निहारी पाए इस तरह के जो सालन होते हैं ये हमारे ज़रा ट्रेडिशनल खाने होते हैं तो इनमें ऊपर तरी आई हुई होती है तो वो ज़्यादा बेहतर लगती है, वरना तरी के बगैर ये खाने अच्छे नहीं लगते। ठीक है, इसमें हम ज़रा ऑयल हमने ज़्यादा डाले और अब हम प्याज को ब्राउन करने के लिए रखा है, मतलब जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन। ओके गाइस, मेरा प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हुआ था तो मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया था, अब देखें लहसुन भी हल्का हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा करके हम इसके अंदर अब गोश्त डाल देंगे। ठीक है, अभी देखिए आप डाल देंगे सारा अपना, ये डाल दिया हमने और साथ ही हमने ये अपने सारे मसाले जो हैं ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और इसको हमने थोड़ी देर अच्छे से भूनना है ज़रा। अभी से इसकी शक्ल देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। देखिए गाइस, हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से भूना है। ठीक है, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए। अब हम इसके अंदर 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा और पानी डलेगा, थोड़ा सा पानी हमने और ऐड कर दिया इसमें, बस इतना काफ़ी है। 10 से 15 मिनट इसको लगेंगे पकने में। ठीक है, इसको जब ये 10 से 15 मिनट हम इसका प्रेशर बंद करेंगे, 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे और इस उसके बाद क्या स्टेप करना है वो हम बाद में आपको बताते हैं। गाइस, हमारी निहारी जो है वो गल गया, हमारा गोश्त गल गया, निहारी हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। ये देखें गोश्त हमारा गल गया बिल्कुल, ये देखें। ठीक है, अब इसके अंदर जो लास्ट स्टेप जो है वो हमारा ये है, हमने इसमें 2 से 2.5 चम्मच हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लिया है, लोग आटा भी डालते हैं लेकिन हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आटे का ये होता है कि आटा नीचे बैठ जाता है, कॉर्नफ्लोर बैठता नहीं है। ठीक है, अब ये हम इसके अंदर ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। ठीक है, ये वाले बड़े वाले जो खाने के 2 चमचे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये वाले चमचे। ठीक है, तकरीबन थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर पक जाए, फिर हम आपको इसको फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं इसकी। ठीक है, ये देखें अब हमारी ये निहारी जो है ना ये थिक हो गई है,
तो ये कॉर्नफ्लोर की वजह से थिक हो गया। निहारी थिक अच्छी लगती है, ठीक है, पतली अच्छी नहीं लगती। तो निहारी हमेशा आप जहाँ से भी खाएंगे आप थिक आपको निहारी मिलेगी। और ये निहारी जो हमारी बनी है ये बाजार की निहारी इसको भी मात देगी। आप जब घर में बनाएंगे और जब खाएंगे फिर आपको पता लगेगा कि निहारी क्या चीज़ होती है। तो इस तरीके से आप निहारी बनाएं, कितना आसान तरीका है। अभी हम इसको आपको फाइनल इसका लुक दिखाते हैं, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसको। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया निहारी अपनी को। आप चेक करें इसकी लुक, चेक करें आप निहारी का ऊपर ऑयल और तरी ये सारा कुछ। तो आप इस तरीके से निहारी बनाएं और इसके साथ आपने प्याज लेमन अदरक और हरी मिर्चें ये काट के ज़रूर सर्व करने हैं, क्योंकि ये निहारी के साथ एसेंशियल चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी फाइनल लुक है। अब नुसरत नदीम को चंदाज कुक हाउस से इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। उम्मीद है आपको ये नली निहारी की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको बाहर ना निकलने दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।